बाप अपने बेटे के ऊपर जुल्म करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी की तकसीम हुई, देना लेना हुआ, बड़े को इतना दे दिया, छोटे को इतना दे दिया। और ये तो बेटे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पा ही जाते हैं, कोई कुछ पाया कोई कुछ पाया, लेकिन आप ही के लुत्फे से आपकी बेटी भी तो पैदा हुई है, वो तो जीरो में रहती है, सब खा के बैठे मीरास। जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटों को तो 9-10 का फर्क हुआ, किसी को 10 मिला, किसी को 8 मिला, लेकिन जो बेटी है वो जीरो। ये भी एक जुल्म है जिसमें अमीर गरीब आलिम जाहिल खूबसूरत बदसूरत खां साहब चौधरी साहब शेख साहब सैयद साहब सब मुलव्वस है कि नहीं। और कहते क्या है, शादी जब की थी मौलाना तो जहेज में तो 20 लाख दे दिया था, तो हो तो गया। बंदे खुदा, जहेज ये मीरास का हिस्सा नहीं बन सकता है। जहेज देने का हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया है, मीरास का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 11 के अंदर फरमाया, यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़ुल उन्थयैन। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे बच्चों के बारे में यह हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? कि मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा, डबल। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला ने जैसे आपका बच्चा है, आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का हकदार है, मीरास उसको मिलनी चाहिए। आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में आपकी बच्ची भी हिस्सेदार है। तो यह जुल्म होता है कि नहीं होता है? जहेज में 20 लाख नहीं 20 करोड़ दे दीजिए, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में अगर वो 10-5 लाख का हिस्सा रखती है शरई तौर से, तो कल कयामत के दिन वो बेटी आपकी और हमारी दामनगीर होगी। मेरे अब्बा जान, भाइयों को तो आपने भाई जान को सब कुछ सुबर करके चले गए थे, लेकिन मुझे आपने नहीं दिया था। तो ये जुल्म है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? आप लोग यहां बैठे हुए हैं, जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर जुल्म कर चुके हैं तो अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए और अपनी उस बच्ची को मीरास दीजिए, वसीयत कर दीजिए कि मेरे न रहने पर जो भी शरई तौर से हमारी जायदाद में जो हिस्सा होता है मेरी बेटी को दिया जाए। ये जुल्म है जो एक इंसान करता है।